के दूसरे हिस्से में हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे और उसकी दो वेरिएशंस हैं, टॉरिचेलिस थ्योरम और वेंटुरी इफेक्ट, वो हम देखेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक पिछले चैप्टर में, जिसके मुताबिक जब हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं तो हम उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं जो बराबर होती है जितना हमने वर्क किया होता है। इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड है। बर्नौलीज इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स की एक बहुत अहम इक्वेशन है। हम देखते हैं कि ये कैसे, इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट करें, एक पाइप है जिसके अंदर एक आइडियल फ्लूइड है। हम इस पाइप को कनेक्ट करते हैं इसके सोर्स के साथ, सोर्स को हम खोलते हैं, वहां से मजीद फ्लूइड आता है। जो पीछे से आने वाला फ्लूइड है वो जो पहले से फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है उसको आगे पुश कर देता है, यानी पीछे से आने वाला फ्लूइड वर्क परफॉर्म करता है, एक फोर्स लगाता है जिसके नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हम उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो पीछे से आने वाला पानी था इसने कितना वर्क परफॉर्म किया, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या था? जो हमारा पहले से मौजूद फ्लूइड था, ये वाला जो पाइप का सेक्शन था ये हमारा सिस्टम था, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। वो एनर्जी हमें नजर आएगी या तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमें पता देगा कि टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई। इस चीज के ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड है। हम अब सिर्फ ये देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फ्लूइड की, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पिछली स्लाइड को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास पाइप है जिसके अंदर एक फ्लूइड था जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया पीछे से आने वाले फ्लूइड ने। इसके लिए हम देखना चाहते हैं वो वर्क कितना था। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट थी वो। फोर्स हम फ्लूइड में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम फ्लूइड का इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, इसको हम P1 कह देते हैं। इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कह देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अगर प्रेशर को मल्टीप्लाई करें एरिया के साथ, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास फोर्स आ जाता है न्यूटन्स में। तो मैं फोर्स की जगह लिख सकती हूँ P1 into A1, और मैं पाइप का एक हिस्सा कंसिडर करूंगी डेल्टा एक्स, उसकी लेंथ, जिसके अंदर मैं देखूंगी कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ। तो फिलहाल फ्लूइड डेल्टा X1 डिस्प्लेस हुआ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ डेल्टा X1 के साथ। इस फ्लूइड, इस सेक्शन के अंदर जो फ्लूइड था उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गई। अब अगर मैं इस आगे देखती हूँ, उस पाइप के साथ आगे क्या हो रहा है, ये पाइप आगे जा रहा है। इस पाइप का मैं एक और हिस्सा आगे जाके कंसिडर करती हूँ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और इस पे प्रेशर P2 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो एनर्जी इस पहले सेक्शन में ट्रांसफर हो गई थी, एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती जाएगी। तो इस दूसरे सेक्शन में जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी जो पहले सेक्शन में एनर्जी थी उसके। तो दूसरे सेक्शन में जो एनर्जी है वो भी हम इस वर्क वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं P2 into A2 into डेल्टा X2, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। डेल्टा X1 को हम वेलोसिटी इनटू टाइम का प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहीं पर इसको मिटा के लिख रही हूँ। V1 वेलोसिटी इस सेक्शन में V1 थी उस फ्लूइड की और इस सेक्शन में V2 थी, इनटू डेल्टा टी, और दूसरे केस में V2 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम है दोनों केसेस में, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 बराबर है A2 V2 के। तो इसका मतलब है कि ये जो दो चीज़ें, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और हम देख सकते हैं कि ये एरिया और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो ये बेसिकली वॉल्यूम है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि वर्क टोटल जो परफॉर्म हुआ वो P1 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू P2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम है, इत्तफाकन सेम नहीं है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वजह से सेम है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वजह से ए और वी सेम है, और डेल्टा टी क्योंकि हम इसको एक ही टाइम इंटरवल में मेजर करें इसलिए सेम है। तो मेरे पास वर्क आ गया P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय V। यानी अब जो मैं बर्नौलीज इक्वेशन में मैंने कहा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक कि जितना वर्क हुआ उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसका मैंने पहला हिस्सा यानी कि वर्क फाइंड कर लिया। अब मैं अगले हिस्से में फाइंड करूंगी कि एनर्जी ट्रांसफर कितनी थी। एनर्जी ट्रांसफर बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mg मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट h1 माइनस h2। ये h1 h2 क्या है?
अगर ये फ्लूइड हाइट एच वन पे था और फिर ये हाइट एच टू पे चला गया, तो हाइट में जब डिफरेंस आता है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज था वो बराबर है एच वन माइनस एच टू, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो बराबर होगा हाफ मास, चूंकि चेंज नहीं हो रहा, वी वन माइनस वी टू स्क्वायर. यानी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो दोनों मुख्तलिफ थी, और उस वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से आया. तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो वर्क परफॉर्म होने की वजह से आया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ये आ जाएगा. तो टोटल मेरे पास जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, वो बराबर थी. मैं स्पेस क्रिएट करने के लिए इस चीज को अरेज कर देती हूँ. टोटल एनर्जी ट्रांसफर जो हुई थी वो बराबर थी वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम. वर्क बराबर है पी वन माइनस पी टू इंटू वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ मास. हम बेसिकली, एक मिस्टेक है, वी टू माइनस वी वन करेंगे और एच टू माइनस एच वन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वाली क्वांटिटी पहले आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये मेरे पास वी टू माइनस वी वन होल स्क्वायर प्लस एम जी एच टू माइनस एच वन, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है. इसका मतलब ये है कि टोटल जो हमारा वर्क होता है या टोटल हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा सेम रहता है अगर हम कोई भी सेक्शन कंसिडर कर लें पाइप का. टोरिचेली एक इटालियन फिजिसिस्ट था. इटालियन में सी को च पढ़ते हैं इसलिए इसका नाम टोरिचेली पढ़ते हैं इटालियन में. टोरिचेली इफेक्ट ये होता है कि अगर एक बड़े से ड्रम में हमारे पास एक फ्लूइड है और इस ड्रम में हम एक छोटा सा सुराख करते हैं नीचे, तो उस वो फ्लूइड किस स्पीड से निकलेगा ये हमें टोरिचेली थ्योरम बताता है, स्पीड. तो अगर हम, और टोरिचेली इफेक्ट ये होता है कि अगर हम इस बड़े से ड्रम में तीन सुराख करें तो जितनी हाइट कम होगी उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी. अगर एच वन हाइट है और वी वन वेलोसिटी से उसमें से फ्लूइड निकला, अगर इसके बजाय मैं अगर एच टू हाइट के ऊपर लूँ, इसको मैं एच टू लूँ, इसके ऊपर से जो फ्लूइड निकलेगा वो वी टू होगा और वी टू वी वन से कम होगी. जितना हाइट कम होगी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. तो अगर मैं इस सुराख में से देखूंगी तो पानी की धार ज्यादा जल्दी नीचे आ जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो जल्दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत नीचे आना शुरू हो जाएगी. इस इफेक्ट को हम घर में भी देख सकते हैं. अगर हम एक बोतल लें उसके अंदर तीन सुराख करें तो हमें नजर आएगा कि जो नीचे वाला सुराख होगा वो सबसे दूर तक उसमें से पानी की धार निकलेगी, फिर यूं और फिर यूं होगा. इसको कहते हैं टोरिचेली इफेक्ट. और अब हम ये देखेंगे कि टोरिचेली इफेक्ट जो है वो बेसिकली बर्नौली थ्योरम की वजह से आता है. टोरिचेली थ्योरम बेसिकली बर्नौली थ्योरम की एक फॉर्म है. बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है प्लस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है रो जी एच प्लस जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो वी स्क्वायर, वो कांस्टेंट रहती है ओवरऑल एक पूरे फ्लूइड एक पूरे सिस्टम के अंदर. तो हम दो मुख्तलिफ पॉइंट पे ये चीज़ें देखेंगे. एक हम इस पॉइंट पे देखते हैं जो उसका टॉप है, इसमें एक प्रेशर है P1 हम इसको कह देते हैं, प्लस इसकी एक हाइट है रो जी एच वन. अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पानी की, जिस वेलोसिटी से वो इसका लेवल नीचे जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सुराख करूँ इसमें से एक धार पानी की निकल रही है, तो इतने बड़े जो ड्रम है उसमें जो पानी नीचे आएगा बहुत आहिस्ता आएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस वी वन के सामने, इस वेलोसिटी के सामने बहुत छोटी होगी. इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये फैक्टर हमारे पास जीरो आ जाता है, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ आ जाएगी. अब मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे. यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरा बर्नौली थ्योरम क्या बनता है. पहली चीज़ बराबर होगी दूसरी चीज़ के. यहाँ पे प्रेशर पी टू है प्लस यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है एच टू की वजह से. इसको मैं एच, ये चीज़ एच वन थी, इसको मैं एच टू कहूँगी. ये एच टू है प्लस एक उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी टू स्क्वायर. अब इस केस में क्या है कि वी टू बहुत ज़्यादा है और एच टू की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर. पी वन और पी टू जो है इस पूरी सिचुएशन में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो दोनों
इस जगह जो पानी है और इस जगह जो पानी है दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जितना है, इसलिए ये दोनों पी वन पी टू के बराबर होगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, मेरे पास रह जाएगा सिर्फ हाफ रो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच वन माइनस एच टू। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस पूरी चीज में से ये भी हट जाएगा डेंसिटी, वी टू को अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो ये टू टाइम्स जी एच वन माइनस एच टू होल स्क्वायर, यानी इस पॉइंट से जो पानी निकल रहा है या जो फ्लूइड निकल रहा है इस पॉइंट में से, वो उसकी वेलोसिटी बराबर है टू टाइम्स जी एच वन माइनस एच टू। इसका मतलब है कि जो पानी ऊपर से नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें बेसिकली वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो हम अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम टॉरिचेली थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास इसके बराबर होती है। स्मॉल लीक इज डेवलप्ड इन अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक, हाइट ऑफ द वाटर अबव द लीक इज जस्ट 10 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एफ्लक्स टू द लीक। इस तरह की सिचुएशन जिसमें एक बहुत बड़े कंटेनर में जिसकी हाइट एच वन है फ्लूइड हो और उसके हाइट एच टू के ऊपर एक लीक हो, उसमें से वेलोसिटी जो फ्लूइड की होगी वो हमें कैलकुलेट करके बताता है टॉरिचेलिस थ्योरम। ये बराबर होती है 2g और यहाँ पर h1 माइनस h2 हाइट होनी चाहिए जो हमारी ये वाली हाइट है। जब उन्होंने हमें ये कहा कि हाइट ऑफ वाटर अबव द लीकेज इज 10, तो उन्होंने हमें ये वाली हाइट दे दी h1 माइनस h2, इसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, ये 10 मीटर्स है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर आता है 14, जो ऑप्शन सी है। वेंटुरी एक और इटालियन साइंटिस्ट था, उसने वेंटुरीज रिलेशन बताया जो कि बर्नौलीज इक्वेशन से डेवलप किया जा सकता है, उससे रिलेटेड है। वेंटुरी रिलेशन में सिर्फ ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टल पाइप्स कंसिडर करें जिनकी हाइट इतनी कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ये पॉइंट या क्रॉस सेक्शन लेते हैं पाइप का और एक ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट को ए वन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर जो फ्लूइड मूव करे उसकी वेलोसिटी v1 है। सेकेंड वाले पॉइंट पे a2 v2 है ये चीज। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर p1 है, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, ये बराबर होनी चाहिए दूसरे पॉइंट के मुताबिक, दूसरे पॉइंट के ऊपर, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये मेरा लिखने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी हाइट वाला फैक्टर, ये एच वन एक हाइट है और एच टू एक हाइट है और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है और ज़मीन की सतह के भी ये करीब हैं, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये फैक्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, हमारी बर्नौलीज इक्वेशन ये बन जाती है। मगर ये वेंटुरी रिलेशन अभी नहीं बना, ये बर्नौलीज इक्वेशन की एक फॉर्म है जो कि हॉरिजॉन्टल पाइप्स के लिए है जिसमें हमारे पास हाइट का फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेंटुरी रिलेशन ये है कि हमारा जो ये बीच वाला पाइप है ये इतना पतला है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक ए वन वी वन बराबर होता है ए टू वी टू के, तो जहां पे एरिया बड़ा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है, वहां पे वेलोसिटी छोटी होती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड पॉइंट पे हमारा इतना छोटा है कि हमारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वी टू वी वन से इतनी बड़ी है कि वी वन को हम इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, ये है हमारे पास वेंटुरीज रिलेशन। इसका फायदा क्या है, ये तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसका फायदा ये है कि हमारे पास अगर एक ऐसी सेटअप हो जिसमें इस तरह के पाइप हों तो हम फ्लूइड की स्पीड बता सकते हैं, इस पतले वाले पाइप में फ्लूइड की क्या स्पीड है वो हम बता सकते हैं, सिर्फ हमें 0.1 के ऊपर प्रेशर चाहिए, 0.2 के ऊपर प्रेशर चाहिए, और प्रेशर मेजर करना बहुत आसान होता है, तो जब हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं, दोनों प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी v2 हम बता देते हैं कि उसका फ्लो कितना है, फिर अगर हमारे पास v2 का फ्लो आ जाएगा तो फिर हम v1 का फ्लो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वेंटुरी रिलेशन का फायदा होता है। प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, अगर हम इन दोनों पाइप्स के ऊपर एक पतली सी वर्टिकल पाइप लगा दें तो चूंकि p2 बहुत कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और p2 उससे थोड़ा सा ही फर्क है, तो प्रेशर हमेशा ज्यादा से कम वाली जगह पे जाएगा, तो ज्यादा से वाली कम वाली जगह पे जाएगा तो थोड़ा सा जो फ्लूइड है वो इस पाइप में भर जाएगा,
मगर चूंकि ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा भरेगा। जो फर्स्ट वाला केस होगा इसमें बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसकी ये ज़्यादा हाइट तक भर जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है उन दोनों का अगर मैं फ़र्क लूँगी तो मेरे पास पी वन माइनस पी टू आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं वी टू फाइंड कर लूँगी, जिसकी वजह से मैं वी वन फाइंड कर सकती हूँ। तो ये वेंचुरी रिलेशन का फ़ायदा है। इसके इसमें अक्सर ये होता है कि हम इस तरह के सेटअप्स लेते हैं और उनमें हम छोटे छोटे पाइप्स निकाल के और उनके अंदर प्रेशर मेजर करके तो हम फ्लो की स्पीड निकाल लेते हैं। ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसमें भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप फ्लूइड इनसाइड इट इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली बर्नौलीज़ इक्वेशन कैन बी रिटन एज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कॉन्स्टेंट होता है। हमारे पास हाइट जीरो होगी क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, मगर फिर भी हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन चारों ऑप्शन में नहीं दी हुई, मगर इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है उसमें टू टाइम्स प्रेशर प्लस रो वी है। हमारा भी यहाँ पर प्रेशर का हाफ है काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं उस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ इसको। टू टाइम्स कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास पीछे इक्वेशन बच जाएगी टू पी प्लस रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि ऑप्शन बी है, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ।